देहरादून, सीने खाने देहरादून, नचने गाने देहरादून, सिनेमा टीवी देहरादून, घास पानी देहरादून, लकड़ो घाट देहरादून, पानी बंठा देहरादून, सब आने जब देहरादून ही जा तो फिर ये क्या चे ये चिपड़ी अरे ये तो धारे अरे वाह 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 जा 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 अरे यार कल आई मैं तो तेरे घर भी आई थी तो पता नहीं कहाँ जा रखी थी अरे मेरा भाई है ना वो बर्फ पड़ी ना तो ये बर्फ देखने का ना भारी शौकीन है तो फिर बर्फ के लिए बोलने लग गया कि चलो 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 गांव चलते हैं बर्फ देख के आते हैं तब उसको लेके आई रे मैं अब कैसी है फोड़े अभी अभी तो ढांड बुड़ू जा तो ढांड जोड़ ले चुच दुए देख दा तो उसको कहाँ पता है बर्फ क्या होती है अरे ढांडू क्या होती है उसके दोस्त ना वहाँ पे ना वो लोग ऐसे प्लानिंग करते हैं ना तो वो आइस राइडिंग के लिए जाते हैं ना आसपास तो आइस राइडिंग के चक्कर से वहाँ तो करवाई नहीं हमने क्योंकि वहाँ तो था नहीं तो हमने कहा चल गांव चलते हैं तो वहाँ कर लेगा ना आइस राइडिंग पर यहाँ कहाँ है ना आइस राइडिंग कर यहाँ कहाँ होती है आइस राइडिंग कहाँ होती है अरे यही होती है आइस राइडिंग दस लिए क्यों था वह तो सब फर्जीवाड़ा छीन रुपये लूटना करना कर छीन आइस राइडिंग हम क्यों था दोनों में कुछ पहना कर वो घिसकोड़ छीन आरंदी बर्फ हम और वे की आइस राइडिंग और नाम दियो रेन तुम लोगों को मतलब देशों में और वे चार चार हजार रुपये देना या कुछ छूट लौट जब पैदा हूँ ना तो सबसे पहले डानो माट में जान घिसकोड़ छीनो और तब बर्फ हम बिखिले घिसकोड़ी तो ये तो आइस राइडिंग बस वही घिसकोड़ी का नाम बदल गया तुम्हारा आइस राइडिंग अद्या वो बोलिए चार हजार रुपया एक फिरीम सब कुछ मिलो चार 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 हजार रुपये देना छीन एक से बड़ी आइस राइडिंग और का कौंडा भगवान तुम लोगों को मेरी मांगण की इतनी क्यों फोड़ रखी है तुमको कितनी हंस खेल अच्छी नहीं लगती क्या मांगण मांगण मेरे बुए में गावल तू अभी पढ़ावलती थे पाठ है ना तेरे बुए में नहीं गई थी मैं वो तो ना हम शादी में गांव आ रखे हैं ना तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक शादी में तो हम गांव आ रखे हैं इसमें हम आइस राइडिंग करेंगे और दूसरी तब मांगड़ करेगी ना तू तो तब तेरे ब्यो में आएंगे और तब हम कैंपिंग करेंगे हाँ इसलिए बोल रही हूँ मैं तेरे को मांगड़ कर लेना कितनी यार ओह मेरी गिच्ची तुम्हारी कैंपिंग का चक्कर में आ कितली करे दियो मांगण वाह मेरी लाठी कदगा समझदार छे तू त्यार कपाल ना बिल्कुल डूदक दुलू ना कदगा सफेद छे कदगा ना कदगा समझदार वेगे तू इकाम के एक बदल उठा जरा से लून मर्च उठा और मैं बदल लेके और जरा चौन लेके और गदन चल जंदो और गदन ना तेर चुन्नी भरे फसोला माछा और वक मल्ला माछा और तब वकी ना गदना तीरम बैठी कर माछा बात बनोला वे या तेरी कैंपिंग ये गुणे थे बुदिन कैंपिंग हाँ फर्जीवारा सब अभी करा दिन में तेरी कैंपिंग बड़ी है तू त्यार कैंपिंग का चक्कर में और मैं बेव कर ली वाह तू आप छिपड़ी रही है और किधर बेव करा दे वाह छिपड़ी वाह अरे तो तू मेरी अच्छी दगड़ा भी तो है तो मेरे को तेरी चिंता रहती है ना और तब प्यार ब्यो में मैं क्या करूंगी ना सड़क से और नीचे राशन भी लेके आऊंगी ना तेरे ब्यो में और तब उस चोल से मैं कंकण भी तो बिराने हैं मैंने नहीं तो कौन बिराएगा कंकण और तू कंकण ही बिराने में रह गई तो तब तेरे ब्यो कन के होना है कितनी और तेरे ब्यो में हम कितनी में चाय पीएंगे तू मेरी दगड़िया है ना तो एक काम कर देहरादून बैठे है तू तो चले मेरे को और दूसरी आ इन सुन दी मेरा नाम तो चल वो है किटड़ी है तो मेरे ब्यो में तो किटड़ी में चाय बनाएगी पर तेरा नाम तो छिपड़ी है तेरे ब्यो में क्या हम छिपड़ी की बच्ची मारेंगे छिपड़ी बोल बोल के तुम लोगों ने मेरी शक्ल भी छिपड़ी जैसी कर दी है इससे बढ़िया तो मेरा नाम बोल रखते कम से कम जो मेरे खिलाफ बोलता उसको मैं गल गुल तो देती और अपनी पैनी पूंछ से ना मैं जो मेरे साथ गिज्जी चलाता उसकी गिज्जी तो काट देती बस यार बन के दी ब्यो की बात कचर 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 ब्यो की बात जे ब्याह में तो यही से ना वे ब्याह का चौल दाल ढामल सारलिन मुंडा हमार खुर्शीन गारम मिल टिपिन और खांदा दिन न करकन इन क्या छनी हुई चल अब चुपचाप चल और लखड़ो कटनो जाना आज वो लखड़ो को कट गल लगन घर हमार फिर हमार गो में ब्यो छे और वे ब्यो एक पूरी रौनक दिखाना हमार पूरी घबरोल टीम थे तो जल्दी से हम तैयारी कर दा और जाके हम लखड़ो की तैयारी कर दा ठीक छ दीदी मेरा छोटा भाई ना वो तो ठीक जा पर ये मुड़िया खेल जा एक तबला खरोड़ पटकी है बनाए तुम्हारो अरे मुड़िया है इसलिए इसके मुंड में बारीक खोस हो रही थी ना और सफेद सफेद हो रहा था तो तब हमने मुड़िया ही दिया उसको ना मुड़िया ने हलल भी कोई कसर नहीं छोड़ बिचौर से चमन बने दिया इन लोगों ने जन बोले दिया वो
छजमंगे फटेली वेली और पोड़ पोड़ की एकदम चुपली वेगी वेल ये राम दकन दार तब कटोरा देरी के मुड़िया जाए नोन रे मुड़िया ना मतलब क्या बताए फैशन है फैशन नई कटिंग आई है मैंने वो कटिंग करी है दीदी कांदे लगा बुलते फैशन परे जे मकपाल चमन बने उराओ सुलरियो परे की थगला लगे रेनी पटी जींस पहनी घूमना रहो तन फैशन के कना है हमके फैशन करी एकदम से बाल बना सी की बुलल दे की हर एक बात कटिंग करी अब आदि की कौन लोगों जन बुले दिया गजनी बोल गजनी तू भी लेख लिया पर छाते हम कुछ भी फिर उतनी जब बोबा तू कुछ मेरा बुला रुआ दिया कितनी यार तूने बड़ी गंदी है तू भी यार मैंने क्या रुआया वो तो फैशन है ना उसका तो चलेगा और अभी वो घिसकोड़ी खेलेगा ना जब तब उसके पैंट भी फटेगी पीछे से और तब उसमें नया फैशन हो जाएगा अरे थटक नो जो कोई बानी नैनो न छी ना वो देव फैशन कर दिया हो चल फटाफट चल जोग तैयार करो ना मिलना कुड़ तो बिल्ला नहीं यार कटगल भी लगाना और एक बार हमारे गाँव में ब्यो पीछे तो सब मुझे फिर हम अपना गाँव का ब्यो के बारे में भी बतोला और सब कुछ भी दिखोला तो तब तक आप के करो ना यूट्यूब मजान सर्च करन घपरोल पहाड़ी कॉमेडी विद लाइक करन शेयर करन सब्सक्राइब करन जस्ट सिंपल है ना बोलो कितनी बाटी की जय।